आज मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ और वो बताने वाली हूँ कौन सी एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसको करने से बहुत ही जल्दी फैट बर्न होता है, फुल बॉडी फैट बर्न होता है। और इस एक्सरसाइज का मैं हर बार फायदा उठाती हूँ। अक्सर ऐसा होता है कि जैसे बहुत कम समय मिलते हैं, काम बहुत सारे होते हैं और शादियों का मौसम चल जाता है, तो शादी में जा करके जो चीजें हमें सामने दिखती है, हम खाए बिना तो रहते नहीं, अब खाते रहते हैं और एक्सरसाइज हम कर नहीं पाते क्योंकि काम ज्यादा होने की वजह से टाइम नहीं मिलता है। कभी लेट सो रहे हैं और देर से उठ रहे हैं तो फिर एक्सरसाइज कहाँ से करेंगे। लेकिन बॉडी को फिट रखने के लिए फिर एक्सरसाइज बाद में ध्यान आती है, जब हमें लगते हैं अरे यार पेट हमारा इतना निकल गया है, जब हमारी जो कपड़े उतरते हैं, जो मोटे मोटे कपड़े पहन के रखते हैं, फिर हम सोचते हैं अरे यार अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। तो मैंने भी एक एक्सरसाइज को किया और उसका फायदा मैं हर बार उठाती हूँ। उसको करने से क्या होता है कि एक हफ्ते के अंदर जितना फैट मेरा गेन होता है वो आसानी से मैं कम कर लेती हूँ, तो आपको बताने जा रही हूँ। चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर, मेरे चैनल हेल्थ सिटी में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आपने देखा ही होगा एक्सरसाइज मैं बहुत सारी करती हूँ और मुझे इंटरेस्ट भी एक्सरसाइज करने में, बॉडी को फिट रखने में मुझे बहुत मजा आता है। और जहां तक कि ऐसा नहीं है कि मैं खाती पीती नहीं हूँ, अब जब शादियों में जाना पड़ता है, फंक्शन में जाना पड़ता है, तो वहां पे खाना भी पड़ता है और खाना भी चाहिए, कभी कभार तो खाना भी चाहिए। लेकिन खाने के बाद जब हमें लगता है कि यार अब तो बॉडी का कल्याण हो गया है, फैट आ गया है, तो उसको घटाने के लिए जब मैं एक्सरसाइज करती हूँ तो मैंने देखा एक एक्सरसाइज ऐसी है जो तेजी से आपका फैट कम करती है। तो मैं उस एक्सरसाइज को डेली अपनी जो रूटीन है उसमें शामिल करती हूँ। जब भी मैं एक्सरसाइज करती हूँ आधा घंटे के लिए, पौना घंटे के लिए, तो वो एक्सरसाइज मैं कभी नहीं छोड़ती। दूसरी एक्सरसाइज छोड़ देती हूँ, कभी कभार कोई दूसरी कर ली, कभी दूसरी कर ली, लेकिन एक एक्सरसाइज ऐसी जिसे मैं हमेशा करती हूँ और आपको भी करनी चाहिए अगर आपको अपना फैट तेजी से कम करना है, वो है प्लैंक। लेकिन आप कहेंगे प्लैंक तो हम भी करते हैं, उससे कोई फायदा नहीं होता। मैं आपको बताऊं किस तरीके से करना है और मैं किस तरीके से करती हूँ जिससे मेरा ज्यादा से ज्यादा फैट बर्न होता है, क्योंकि प्लैंक को हम ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाते हैं, आप भी नहीं कर पाते हो। तो देखिए मैं बताती हूँ किस तरीके से आपको करना जिससे आप एक हफ्ते के अंदर बहुत ज्यादा फैट बर्न कर लेंगे। लोग आपसे पूछेंगे अरे यार तुम्हारा पेट तो इतना निकला हुआ था, अब जल्दी से कहाँ गया? तो चलिए बताती हूँ किस तरीके से आपको करना है। देखिए जो नॉर्मल प्लैंक होता है हम इस तरीके से करते हैं ऐसे, तो ये आपको करना है 30 सेकंड के लिए होल्ड रखना है। जो बिगनर्स है 30 सेकंड के लिए होल्ड रखें या फिर जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना होल्ड रखें, ठीक है। सबसे पहले ये आपको करना है, यहाँ से शुरुआत करनी है, ये शुरुआत है, ये नहीं है कि बस ये ही है, ये शुरुआत है। अब मैं बताती हूँ आगे आगे आपको बहुत इंटरेस्ट भी आएगा इसको करने में। अभी तो ये बोरिंग सा लगता है कि ऐसे होल्ड करके रखो तो बोरिंग सा लगने लगता है, मुझे भी लगता था कि यार होल्ड करके रखो कितना बोरिंग सा होता है। फिर मैंने इसमें नई नई चीज़ें शामिल करी और मुझे मजा आने लगा। तो उसके बाद आपको क्या करना है, जब आप थक जाओ तो इस तरीके से आ जाना है, लेकिन अपनी पोजीशन को नहीं छोड़ना है कि हम भी पक्के हैं, हमें फैट कम करना है तो करना है। अब थोड़ी देर के बाद आप फिर से प्लैंक में आ गए, अब आपने क्या किया एक लैग को ऊपर उठा लिया। अब जितनी देर यहाँ पे होल्ड रख सकते उतनी देर आपने होल्ड रखा, 10 सेकंड, 20 सेकंड, फिर आपने दूसरी लेग को उठा लिया, एक लेग से थक गए, अब आप थक गए हो। अब आपने क्या किया कि फिर से अपने हाथों पे आ गए और आपने ये करना शुरू कर दिया, मतलब बॉडी को अंगेज कर दिया। तो इससे आपको ना तो बोरिंग लगेगा और जो आपकी थकावट हो रही है वो भी कम हो जाएगी। अब आपने क्या किया, फिर आप ऐसे ही आगे और ये करते रहे। ये आप जितना आपसे हो पाता है उतना करें या फिर 30 सेकंड के लिए, हर एक्सरसाइज 30 सेकंड के लिए। और फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। इसके बाद इतना करने के बाद आप बीच में रेस्ट ले सकते हो। आपको लग रहा है कि आप थक रहे हैं तो आप बीच में रेस्ट ले लें। रेस्ट लेने के लिए मैं क्या करती हूँ, बीच में ये वाला
ये वाली एक्सरसाइज करती हूँ, जिससे कमर के ऊपर अगर थोड़ा स्ट्रेंथ आया भी होता है तो वो रिलीज हो जाता है, कम हो जाता है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको फिर से प्लैंक की पोजीशन में, अब की बार आपको ये वाला करना है, प्लैंक को नहीं छोड़ना है, और इसके बाद 30 सेकंड ये करने के बाद आप इस तरीके से जंप करेंगे। आपको बहुत मजा आएगा जब आप करने लग जाओगे तो, बहुत अच्छा भी लगेगा और पसीना आना शुरू हो जाएगा। और फिर से प्लैंक की पोजीशन, अगर इतना भी आप फॉलो कर लेते हैं और डेली आप करते जाते हैं, फिर देखना कितना जल्दी आपका फैट बर्न होता है। आपने देखा मेरे सांस फूल गया है, ये मैंने आपको थोड़ा करके दिखाया। एक बार मैं थोड़ा शांत हो लेती हूँ। तो जब आप ये अकेले में करेंगे, फिर आप देखेंगे बहुत ही अच्छे से आप कर पाएंगे, धीरे धीरे टाइम बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि मैं अच्छे से टाइम लेके करती हूँ। और जब हम अकेले में करते हैं तो अपने ऊपर ध्यान दे पाते हैं, उसमें बोलना नहीं होता है, हम आराम से कर रहे होते हैं, तो ज़्यादा अच्छे से हम एक्सरसाइज कर पाते हैं और उससे हमें डबल फायदा होता है। तो आज से आप करना शुरू कर दीजिए, जब आप करने लग जाएंगे और धीरे धीरे टाइम बढ़ाते जाते हैं, एक हफ्ते के अंदर अंदर आप फुल बॉडी का फैट बर्न कर सकते हैं, क्योंकि इस एक्सरसाइज में ये चीज़ें भी आपकी इन्वॉल्व होती है, आपका बेली फैट कम होता है, उसके ऊपर पूरा प्रेशर आता है, क्योंकि पूरी बॉडी का वेट आपने मेंटेन किया हुआ होता है, उसके साथ ही आपकी लेग्स के ऊपर इफेक्ट आता है। तो फुल बॉडी का फैट आप आसानी से बर्न कर सकते हैं, इस एक्सरसाइज को इस तरीके से आप शामिल कर लेंगे तो आप 2 हफ्ते के अंदर अंदर बिल्कुल स्लिम होने वाले हैं। आज इतना ही, वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, वीडियो अगर पसंद आई होगी तो उसको लाइक शेयर जरूर करना, अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।